आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिले के मुनासा नगर में पीडीएस चावल की कालाबाजारी की सूचना पर तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार ने शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचकर अनाज दुकान के बाहर से चावल के कट्टे जब्त किए हैं। इन कट्टों को वाहन में भरकर भेजा जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को सुबह तहसीलदार एमएल वर्मा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि मनासा के रामनगर में सहकारी उचित मूल्य की दुकान पर से गरीबों को दिए जाने वाला चावल पिकअप में भरा जा रहा है। तत्काल सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने परिवहन करते हुए पिकअप में लगभग 50 कट्टे चावल जब्ती में लिए। प्रारंभिक जाँच पर चावल उचित मूल्य दुकानों से एकत्रित करना बताया जा रहा है। गाड़ी को जब्त तक कर चावल सहित मनासा थाने में रखवा दिया गया है। विस्तृत जांच के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट। ये था आपका अपडेट। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।